नमस्कार, मैं तोशी आपका अपने चैनल राजस्थानी तड़का में स्वागत करती हूँ। आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ वह बच्चों और बड़ों दोनों को ध्यान में रखकर बनाई है। और जो इसमें स्पेशल बात है वो यह है कि हम एक ही ग्रेवी से तीन सब्जियाँ बनाएंगे, आलू, पनीर और सोयाबीन, और वो भी 10 मिनट में। यकीन नहीं हो रहा ना? जी हाँ, सिर्फ 10 मिनट में, और टेस्ट आप खुद खाकर बताइएगा। और अगर आपको ये सब्जियाँ पसंद आएँ तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, सबसे पहले हम जो सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमें चाहिए 6-7 आलू, 10-15 टमाटर, 12-15 कलियाँ लहसुन की, 3-4 सूखी लाल मिर्च और 3 हरी मिर्च। टमाटर, लाल मिर्च, हरी मिर्च और लहसुन को पीस करके हम प्योरी बना लेंगे। प्योरी हमने बना ली है, अब हम गैस पर रख देंगे कुकर। कुकर में डालेंगे हम तेल, तेल गरम होते ही हम इसमें डालेंगे जीरा, जीरे के बाद अब हम इसमें आलू डाल देंगे। आलू हम इसमें हल्के फ्राई कर लेंगे। आलू हल्के फ्राई हो गए हैं और हल्का हल्का सा ब्राउन कलर आ गया है। अब इसमें जो हमने प्योरी बनाकर रखी थी वो डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 चुटकी हींग, आधा चम्मच हल्दी, दो चम्मच धनिया पाउडर। धनिया पाउडर हम थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे, ये ग्रेवी को थिकनेस देगा। आधा चम्मच लाल मिर्च, लाल मिर्च हम कम ही डालेंगे क्योंकि हमने सूखी लाल मिर्च और हरी मिर्च भी डाली है। 1.5 चम्मच नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। आधा चम्मच गरम मसाला, अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम कुकर पे ढक्कन लगाकर 6 से 7 सीटी लगाएंगे। मैंने मीडियम आकार के आलू लिए थे इसलिए मैं 6 से 7 सीटी लगा रही हूँ। डिपेंड करता है कि आपने आलू कैसे लिए हैं। अगर आप छोटे आलू लेंगे तो 3 से 4 सीटी में भी आलू पककर तैयार हो जाएंगे। अब हम चेक करेंगे। आलू अच्छे से पक गए हैं, हमारी सब्जी बनकर हो गई है तैयार। अब हम इसमें से आधी ग्रेवी निकाल लेंगे। ध्यान रखिए सिर्फ ग्रेवी ही निकालनी है, आलू नहीं निकालने हैं। और करीब आधा मिनट हम पका करके गैस बंद कर देंगे, हमारी एक सब्जी तैयार हो जाएगी। देखिए कितना अच्छा सा कलर आ रहा है। ग्रेवी थोड़ी थिक हो गई है। अब हम लेंगे थोड़े से पनीर के पीसेस और 10-15 सोया चंक्स। जो हमने प्योरी निकाली थी उसे हम गैस पर रख देंगे। अब हम उसमें डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी मुझे तो बहुत पसंद है, और अगर आपको नहीं पसंद है तो आप मत डालिए। अब हम इसमें डालेंगे पनीर और करीब आधा मिनट तक पकाएंगे।
आधा मिनट पकाने के बाद हम इसमें से सारे पनीर के पीसेज और आधी ग्रेवी निकाल लेंगे और आधी ग्रेवी पैन में ही रहने देंगे। अब बची हुई ग्रेवी में हम सोया चंक्स डालेंगे। और चलाते हुए आधे मिनट तक पकाएंगे। तो देखिए अब हो गई है हमारी तीनों सब्जियां तैयार, आलू, सोयाबीन, पनीर। हम इसे धनिया पत्ती से गार्निश करेंगे और हमारी सब्जियां सर्व करने के लिए तैयार हैं। जिसे आलू खाना है वो आलू खा सकता है, जिसे सोयाबीन खानी है वो सोयाबीन खा सकता है, और जिसे पनीर खाना है वो पनीर खा सकता है। मैं तो जा रही हूँ अपनी फैमिली को सर्व करने। आप कब बना रहे हैं?